We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. सागर जिले के देवरी के नेशनल हाईवे 26 पर इनोवा कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार चाचा भतीजे में से भतीजे की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, जबकि चाचा गंभीर रूप से हुआ घायल। सागर जिला अस्पताल में चल रहा है घायल का इलाज। विदिशा के कोतवाली थाना क्षेत्र से लगातार हो रही चोरी की वारदातें। सोमवार को एक और मोटरसाइकिल हुई चोरी, युवक ने कराई थाने में शिकायत दर्ज। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। हम इंसान टीम के सदस्यों ने सोमवार को सागर जिले के राहतगढ़ में स्वच्छता का दिया संदेश। नगर की दीवालों पर साफ सफाई करने के बाद पुताई करके दीवालों पर बनाई बुंदेली आकृतियां। अपने नगर को साफ रखने के लिए नगर वासियों को किया जागरूक। टीकमगढ़ के कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक समाज सेवी का हंगामा। प्रशासन से नाराज समाज सेवी रमाशंकर पस्तोर ने आत्मदाह करने तक का किया प्रयास। मौके से पुलिस ने बुजुर्ग के हाथ से छीनी पेट्रोल की बोतल। अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के रवैये से बेहद नाराज है रमाशंकर पस्तोर। कटनी जिले के बड़वारा विजय राघोगढ़ वन परिक्षेत्र में बाघ ने एक आदिवासी महिला को बनाया अपना शिकार। महिला की हुई मौत। सोमवार की सुबह घुघरी गांव की कुछ महिलाएं लकड़ी बीनने गांव से लगे हुए जंगल में गई हुई थी, जहां झाड़ियों में छिपे बाघ ने महिला पर बोला हमला, जबकि एक अन्य महिला और भी घायल। एमपी के छतरपुर के छत्रसाल चौराहे के पास बीच सड़क पर दो पक्ष आपस में जमकर भिड़े। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर की हाथापाई, वीडियो हुआ वायरल। विदिशा जिले के डंडापुरा गांव में एक 2.5 साल की मासूम के अपहरण होने का आया मामला सामने। पुलिस ने करीब 5 घंटे के अंदर आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। मासूम को सुरक्षित सौंपा परिजन। छतरपुर जिले के बिजावर में लुटेरों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े एक बुजुर्ग से 40,000 रुपए लेकर चंपत हुए लुटेरे। वृद्ध अपनी नातिन की शादी के लिए बिजावर स्टेट बैंक से पैसे निकाल कर जा रहा था घर। सागर जिले के राहतगढ़ में लगाया गया निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। सैकड़ों मरीजों का हुआ निशुल्क जाँच परीक्षण। कैंप में ब्लड प्रेशर और शुगर की भी हुई जाँचे। साथ ही सभी को बांटी गयी निःशुल्क दवा। सागर जिले के जैसीनगर थाना अंतर्गत सागर सिलवानी स्टेट हाईवे 15 पर ट्रक और डंपर की आमने सामने से हुई जोरदार भिड़ंत। एक की मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को सागर किया रेफर। We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School.